एक नौजवान था, दिन को रोजा रखता, रात को नमाज पढ़ता, पर अल्लाह से डरता फिर भी बहुत ज्यादा था, बड़ा ही डरता था। मौत का वक्त आया, माँ ही थी बस उसकी, तो माँ से कहने लगा, अम्मा मेरी माँ है, मेरे साथ तीन वादे तो कर। उसने कहा, पुत्र तू बता, आखिरी हिजकी ले रहा है और इस गरीबनी माँ से तू वादा ले रहा है, बता क्या वादा। उस करने लगा, अम्मा जब मैं मर जाऊं ना तो मेरे गले में रस्सी डाल के तो मुझे घुमाना घर के सहन में, और लोगों को कहना जो रब की नाफरमानी करे उसका यही हाल होता है, ये ऐलान करना जो अल्लाह के नाफरमान हो उनका यही अशर किया जाना चाहिए। और अम्मा फिर दूसरा वादा कर, मेरा रात को जनाजा उठाया जाए, मैं नहीं चाहता किसी के मुंह से ये लफ्ज निकल जाए कि वो देखो अल्लाह का नाफरमान जा रहा है, रात को मेरा जनाजा उठाना। और अम्मा तीसरा मेरे साथ वादा कर, जब लोग मुझे दफन करके आ जाएंगे तो तू मेरी कब्र पे चली जाएगी। अमल मेरे पास कोई नहीं, पर मुझे लगता है माँ के कदमों की बरकत से अर्श का मालिक भी रहम फरमाएगा। अम्मा तू वादा कर। बाबा साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे, माँ बूढ़ी माँ ने वादा कर लिया, कहा बेटे ठीक है, पर तेरी यही जिद है तो मैं तैयार हूँ। फिर उसने कलमा शहादत पढ़ा, उस नौजवान की रूह परवाज कर गई। बूढ़ी माँ ने रस्सी मंगाई, तो वली मन खाफ मकाम रब्बी ही जन्नतान, जो डर जाए, उसने तो कहा था ना कि रस्सी डाल के घुमाना और कहना ये अल्लाह का नाफरमान है, इसका यही अशर होना चाहिए था। लेकिन जब माँ गले में रस्सी डालने लगी तो घर के हर हर कोने से आवाज आने लगी, खबरदार ये रब का दोस्त है, अल्लाह के दोस्तों के साथ इस तरह का मामला ना किया जाए, इसे छोड़ दिया जाए। पर कहा तुम्हें कुछ भी और करने की जरूरत नहीं है, ये तो रब का दोस्त है और रब की बारगाह में हाजिर हो गया।